वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। ब्रैकेट में 7m है और एक ब्रैकेट में नेगेटिव 8 है। इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाना, बिकॉज यहाँ पे कोई साइन नहीं है। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होता है, 56 होता है। 7 8 टाइम 56, और यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस है। प्लस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 7 × 8 56 आ जाएगा, और साथ में m का m आ जाएगा। तो 7m को नेगेटिव 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो नेगेटिव 56m आ गया। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है इस तरह की, ये देखें, जिनमें मैंने इनको सॉल्व करना सिखाया हुआ, मल्टीप्लाई करवाना सिखाया हुआ है। आप चेक कर सकते हो, पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन देखनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी की भी, आप चैनल को एक दफ़ा प्लेलिस्ट को विजिट कर लो, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनमें मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को।